यूं तो जातिवाद बनाने वाले ब्राह्मणों ने अछूतों को अपमानित करने के लिए उन्हें छूना भी पाप बना दिया। लोग उनकी परछाई से भी नफरत करने लगे। लेकिन कुछ ब्राह्मण भी आज इसी तरह के अपमान और बहिष्कार को झेल रहे हैं। दरअसल एमपी के रतलाम जिले के कनेरी गांव में एक अनोखी परंपरा है, जिसके चलते गुज्जर समाज 3 दिनों तक ब्राह्मणों से मिलना तो दूर उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। कनेरी गांव में गुज्जर समाज के लोग पीढ़ियों से एक पुरानी परंपरा को चलाते आ रहे हैं। इस परंपरा के चलते गुज्जर समाज दिवाली के दिन एकजुट होकर गांव के पास कनेरी नदी पर जुलूस के साथ जाता है और एक कतार में खड़े होकर एक लंबी बेल को हाथ में लेकर विशेष पूजा कर उस बेल को पानी में बहाते हैं। इसके बाद वे लोग मिल बांटकर अपने घर से लाए भोजन को खाते हैं। गुज्जर समाज के लोग बताते हैं कि ये परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी। यहाँ के गुज्जर समाज के लिए दीपावली सबसे बड़े श्राद्ध का दिन होता है। ये लोग नदी किनारे हाथ में बेल पकड़कर अपने पितृ की पूजा करते हैं और एकजुट रहने का संकल्प लेते हैं। लेकिन इस दौरान ये लोग ब्राह्मणों की परछाई से भी दूर रहते हैं। यहाँ तक कि पूरे 3 दिन तक ये लोग ब्राह्मणों का चेहरा भी नहीं देखते। दरअसल गुज्जर समाज की इस परंपरा के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। गुज्जर समाज के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले गुज्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण की माताजी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया था, जिसके मुताबिक दीपावली के 3 दिन रूप 14 दीपावली और पड़वी तक कोई ब्राह्मण गुज्जर समाज के सामने नहीं जाएगा और गुज्जर समाज भी इन 3 दिनों में किसी ब्राह्मण का चेहरा नहीं देखेगा। उसी समय से जब भी गुज्जर समाज दीपावली पर यह विशेष पूजा करता है, उस दिन कोई ब्राह्मण गुज्जर समाज के सामने नहीं जाता। इस गांव के ब्राह्मण भी इस परंपरा के चलते अपने आप को घरों में बंद रखते हैं। गुज्जर समाज जब दीपावली पर इस विशेष पूजा के लिए निकलता है तो गांव में सन्नाटा छा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें।